हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, एक बार भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो हम सोशल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो आप लोग ये वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों मेरा 100% गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सोशल साइंस के ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है, और चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है, 100% आपका मेरा गारंटी है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी के नाम से नरेगा कार्यक्रम को जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन सारा का सारा 2023 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार जो है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है, चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। ये दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है ना हमारे पास कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक है ना सबसे लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, काली मिट्टी है कपास के लिए। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम उद्योग में होता है बॉक्साइट का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, दुष्परिणाम बताना है। चलिए दोस्तों इसको अगले पेज पर हम इसका ऑप्शन दिखाते हैं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसका जो राइट आंसर बताते हैं अगले पेज पर। अगर आप लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग को 95% मैट्रिक में एग्जाम में टॉपर बनना है, 95% स्कोर करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है कि क्षेत्र की प्रति विशेष अनुरुचि, और सी में है दोस्तों अलगावाद, और डी में क्या है कि विधि का शासन। जो क्वेश्चन था दोस्तों क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, अलगावाद आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंहली है। क्या है दोस्तों, सिंहली। चलिए अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सोशल साइंस के सभी विषय का इसमें क्वेश्चन दोस्तों शामिल है। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा, तृतीयक क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1863 ईस्वी में सबसे पहली बार भूमिगत रेल बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि ग्रीमिटिया किसे कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कितना बार ये एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर देखिए ये दोस्तों 2023 में आने की इसका संभावना है, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही होगा, अनुबंधित मजदूर होता है। ग्रीमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास कह रहा है ना कि मुद्रक तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रक तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही होगा, चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अल हिलाल का संपादन, देखिए खाली स्थान उसके बाद ने किया, अल हिलाल का संपादन खाली स्थान उसके बाद ने किया, कौन किया था? चार ऑप्शन आपके बीच दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल आपका सही होगा, मौलाना आजाद ने किए थे। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला पेज पर आपको ले चलते हैं, अगले क्वेश्चन से मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रुचि क्रांति के समय, ठीक है सॉरी दोस्तों रूसी क्रांति के समय कहाँ का शासन था, ठीक है रूसी क्रांति के समय वहां का शासन बताना है क्या था। ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल आपका सही होगा, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, बताना है कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके बीच दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सेडोन में 1870 में फ्रांस और प्रांसा के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन है आपका 2023 में आने की संभावना है, 100% गारंटी है, आप लोग ये क्वेश्चन को याद करते चलेंगे। और मैं बता दूं कि दोस्तों मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग को याद होता ही जाता होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, टॉलस्टॉय जो है ना वार एंड पीस की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, वियतनाम में दोस्तों बताना है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी में टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका बीच आया है कि रामपा विद्रोह कब हुआ, दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रामपा विद्रोह कब हुआ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है, 1916 ईस्वी में रामपा विद्रोह हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जमशेद जी टाटा, ठीक है टाटा एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना बताना है, ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जमशेद जी टाटा टाटा आयरन स्टील कंपनी का बताना है स्थापना कब हुआ था। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी 1907 ईस्वी, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी, और आपका जमशेद जी टाटा जो आयरन स्टील कंपनी है इसका भी स्थापना 1907 ईस्वी, दोनों सेम है आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, देश के बांधे को किसने भारत का मंदिर कहा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा पंडित नेहरू, यानी कि डी आपका ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, इसका जो देखिए राइट आंसर क्या होगा, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इनमें कौन सा जो ऐसा जीव है ना केवल भारत में ही पाया जाता है, देखिए घड़ियाल है, डॉल्फिन है, या व्हेल है, या कछुआ है, इन चार में से बताना है कौन जो है भारत में पाया जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डॉल्फिन है, ठीक है इसका सॉरी दोस्तों घड़ियाल है, क्या है घड़ियाल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घड़ियाल होगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जादूगोड़ा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान बताना है, संसार के चावल उत्पादक देशों में
भारत का स्थान बताना है कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दो नंबर यानी कि दूसरा नंबर पर है भारत चावल उत्पाद करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या बताना है, बिल्कुल आपका सही 100% सही हो जाएगा, बी 16 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। इन चार ऑप्शन में से बताना है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता और दिल्ली में जो है ना मेट्रो रेल का उपलब्ध कराया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और दोस्तों आप लोग 95% स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बहुत ही मेहनत करते हैं दोस्तों आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन सारा का सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है, इसका जो राइट आंसर है देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, मयूर होगा यानी कि मोर है, ये थोड़ा संस्कृत में लिख दिया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे मयूर यानी मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही होगा, उत्तराखंड में जो है ना सोपानी कृषि प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा, समुद्री तट से दूर ऊंचाई पर कराना चाहिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना है। चलिए सूचना के अधिकार संबंधी कानून दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका सही है, 2005 ईस्वी में दोस्तों सूचना अधिकार नियम कानून जो है ना बना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित यानी आप ऑप्शन में से देखकर बताना है क्या है, कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, राजनीतिक दल को जो है ना लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तभी जवाब देंगे, कौन सा जो है ना राष्ट्रीय दल नहीं है बोल रहा है। देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी, बी में है कि बहुजन समाज पार्टी, सी में है लोक जनशक्ति पार्टी और डी में है भारतीय जनता पार्टी। क्या बोला है, राष्ट्रीय दल नहीं है बताना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना ये राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है, अप्रत्यक्ष व्यवस्था किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ढीली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो इसका जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल सही होगा, बहुदलीय व्यवस्था होता है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला यानी कि सी आपका सही होगा 37 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत सीट मिली थी। ठीक है चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से, बी बिल्कुल आपका सही होगा, जनता पार्टी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सार्वजनिक टेलीफोन जो है ना संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा की मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन में देखकर बताना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मार्शल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 24 घंटे निकाले या जमा किए जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रथम प्रमुख बताना है क्षेत्र है कौन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वह भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप लोग अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल का बेल आइकन भी दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आईएसआई चिन्ह अंकित है, आईएसआई चिन्ह अंकित है बताना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है, 1500 पदों पर जो है ना ये चिन्ह अंकित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से जो दिया है ना कोनो नहीं है, यानी किसी इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। चलिए भयंकर सुनामी बताना है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बंगाल की खाड़ी में आया था। ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों हमेशा आता रहता है भूकंप सुनामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों, है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और 95% स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, 100% आपका गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ठीक है। चलिए थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।